जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के नेताओं ने कहा कि गया और दरभंगा के भ्रष्ट नेताओं एवं भ्रष्ट पदाधिकारियों और माफियाओं के खिलाफ आज पुतला दहन किया गया है। जन अधिकार पार्टी मांग करती है प्रदेश में भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट पदाधिकारियों की मिलीभगत से अमानवीय घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण दरभंगा की घटना है, जहां अपराधियों ने कानून की परवाह न करते हुए 3 लोगों को जिंदा जला दिया। वहीं गया जिले में भी भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा बालू खनन का आरोप लगाकर मां बहनों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। ऐसे भ्रष्ट नेता एवं भ्रष्ट पदाधिकारियों पर बिहार सरकार अविलंब कार्रवाई करे, अन्यथा जन अधिकार पार्टी आगे भी उग्र आंदोलन करेगी। जिस तरह से दरभंगा में आप लोग देखे होंगे, एक परिवार को जिंदा जला दिया गया, और दूसरी घटना गया में जब वहाँ के बालू माफियों के इशारे पर पदाधिकारी लोग घर में जाकर किस तरह से माँ बहनों के पीटे हैं और FIR किया गया, उन्हीं लोग के खिलाफ आज हम लोग पुतला दहन किए हैं। क्योंकि बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटना और माफियाओं का मनोबल बढ़ा है, कहीं न कहीं उनके पीछे सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को संरक्षण प्राप्त है। जन अधिकार पार्टी मांग करती है कि तत्काल ऐसे माफियाओं को और ऐसे पदाधिकारी को अंकुश लगाए, नहीं तो जन अधिकार पार्टी आंदोलन करेंगे। भ्रष्ट पदाधिकारी और भ्रष्ट नेता को पुतला दहन किया जा रहा है। जो दरभंगा में घटना घटी, उसमें एक ही घर में 3 परिवार को एसिड के द्वारा जला दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। उससे ज़्यादा भयंकर घटना गया में महिलाओं को पीटा गया है पुलिस या के द्वारा, यह पुलिसिया जुर्म नहीं चलेगा। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उन्हें 24 घंटा के अंदर में कार्रवाई करते हुए बर्खास्त का हम मांग करते हैं।